प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संवाद। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये छठी बैठक। दिल्ली में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सलाह देने के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समिति गठित। समिति दिल्ली में कोरोना महामारी से उपजी चुनौतियों और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के उपायों पर देगी सुझाव। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के उपायों पर कार्यालयों को जारी किए दिशा निर्देश। प्रवेश द्वार या कक्ष में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान किया अनिवार्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जुलाई 2017 और जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर नहीं लगेगा कोई जुर्माना। 40वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने लिया निर्णय। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। आज तड़के कुलगाम जिले में मीर बाजार क्षेत्र के दारपोरा निपोरा में हुई मुठभेड़। कर्नाटक से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के इरन्ना कडाडी सहित अशोक गस्ती निर्विरोध निर्वाचित। गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश को लेकर प्रतिबंधों में दी ढील। ओसीआई कार्ड वाले नाबालिग और जिनके माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है, उन्हें भारत यात्रा की दी अनुमति। पंजाब में सप्ताह अंत और सार्वजनिक अवकाश के दिन लॉकडाउन आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के सामुदायिक संक्रमण की आशंका को देखते हुए उठाया कदम। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस संक्रमण के एक बार फिर से सामने आए मामले। शुक्रवार को यहां 11 नए कोरोना पीड़ित मरीज मिले। 5 पीड़ित विदेशों से जबकि 6 मामले घरेलू स्तर पर संक्रमण के हैं।